स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। माय नेम इज तनुज पाठक एंड this year in CSE 23 I have secured all India rank of 72. I belong to a city called Haldwani which is situated in Nainital district of Uttarakhand, and in this specific video we'll be talking about answer writing, which is a very important part in mains examination. I would like to highlight how important answer writing is in this examination, because mains kahin na kahin 1750 number ka hota hai, and to get maximum marks in mains is a key to have a rank or to get your name in the holy PDF. Interview थोड़ा subjective रहता है, तो अगर mains में काफ़ी ज़्यादा अच्छे marks लाए जाएँ तो काफ़ी high chances हो जाते हैं PDF में नाम पाने के। तो इसीलिए आई गेस आंसर राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस एग्ज़ाम में होती है। तो स्ट्रक्चर की बात करता हूँ आंसर राइटिंग के, तो पहली चीज़ आपका इंट्रोडक्शन रहता है, देन विल राइट द बॉडी एंड फाइनली विल राइट द कंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं IBC फॉर्मेट ही रहेगा आंसर राइटिंग का। अब थोड़ा स्पेसिफिक से बात कर लेते हैं एंड विल स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए वो बाकी लोगों से, और इट शुड कैच द आई ऑफ द एग्जामिनर। तो इसके लिए मोस्टली मैं क्या करता था कि कुछ यूनिक चीज़ डालने की कोशिश करता था अपने इंट्रोडक्शन में इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फैक्ट या फिगर से स्टार्ट कर सकते हैं। GS3 में इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है काफ़ी जगह, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन स्टार्ट विद डेटा, पॉवर्टी का क्वेश्चन हो गया, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो गया, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद डेटा। उसके अलावा यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकल्स। फॉर इंस्टेंस इन GS2 आर्टिकल्स आर अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्वेश्चन आ गया तो यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकल 44। और उसके अलावा स्टार्ट करने का तरीका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिफाइन कर दिया जाए। हालांकि काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, बट आई गेस इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट एनी आंसर, क्योंकि इससे पता रहता है एग्जामिनर को कि यू नो द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। तो दूसरा तरीका इंट्रोडक्शन का वो रहता है। उसके अलावा इन सम केसेस स्पेशली इन GS2 और GS3 में आप यू कैन स्टार्ट विद द करंट इवेंट्स। तो स्पेसिफिकली इन इंटरनेशनल रिलेशंस और इवन इन द पॉलिटी क्वेश्चंस, अगर कुछ क्वेश्चन आता है रिसेंट हैपनिंग से, यू कैन कोट द न्यूज़ एंड स्टार्ट योर आंसर कि ये हुआ था और ये मेरा आंसर का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डिफाइन एंड यू गो ऑन टू द बॉडी। तो ये कुछ तरीके हैं इंट्रोड्यूस करने के अपने आंसर्स, जो कि यूनिक होते हैं, आई कैची होते हैं और आपका आंसर डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरों के आंसर से। तो हम थोड़ा बॉडी पे डिस्कस करते हैं। तो बॉडी पे मुझे दो तीन चीज़ें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहला है यूज़ ऑफ राइट हेडिंग, और हेडिंग से मेरा मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन के ही वर्ड उठा के यू ट्राई टू मेक एन हेडिंग एंड देन आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप उन्हीं वर्ड जो हेडिंग जो क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे गए हैं उन्हीं को हेडिंग में यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर को पता है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर सही में आता है। तो दैट इज़ हाउ यू शुड यूज़ द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन इट्सेल्फ। उसके बाद ट्राई टू गिव 2 to 3 हेडिंग्स टू एन आंसर, क्योंकि आपका आंसर थोड़ा सा यू नो ब्रेक करना चाहिए आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में 2 से 3 पार्ट होते हैं। तो ट्राई टू गिव ऑल द आंसर सेपरेटली अंडर अ डिफरेंट हेडिंग, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपने हर एक पार्ट को एड्रेस किया है और आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा पार्ट ये। तीसरा बॉडी पार्ट में ये भी करता था कि अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करता था, बाय विच आई मीन कि मोस्ट मैं चाहता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में अपने आंसर में लिख सकूँ, ताकि थोड़ा आंसर भरा भरा दिखे, थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा लगे आंसर की और एक अच्छा इम्पैक्ट जाए एग्जामिनर के माइंड के ऊपर। तो दूसरा ये चीज़ रहती थी। उसके अलावा विल टॉक अबाउट सम वैल्यू एडिशंस, जो कि आंसर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं हूँ, आप हैं, हम सब लोग हैं, मोस्ट ऑफ आवर सोर्सेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं। तो व्हाट मेक्स आवर आंसर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर इज़ द वैल्यू एडिशन। बाय वैल्यू एडिशन आई मीन विल गो पेपर GS by GS। तो GS1 में मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव एन एम्पल स्कोप ऑफ मेकिंग डायग्राम्स, चाहे वो हिस्ट्री में हो,
चाहे वो ज्योग्राफी में हो, तो इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप बनाने का बहुत ज़्यादा हाई स्कोप रहता है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है जीएस 1 में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर मैं डायग्राम बना गया था इंडिया का या वर्ल्ड का या कोई और फ्लो चार्ट वगैरह। तो यू शुड लुक फॉर डायग्राम्स इन जीएस 1। सिमिलरली जीएस 2 में अगर वैल्यू एडिशन की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, जितना मैक्सिमम हो सके आप आर्टिकल्स लिखें हर एक क्वेश्चन में। ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर आर्टिकल्स, जितने आपको याद आ रहे हैं यू शुड इंक्लूड। सेकेंडली द थिंग दैट यू शुड इंक्लूड इज द सुप्रीम कोर्ट केसेस। मैंने इस बार ट्राई किया था कि हर क्वेश्चन में जहाँ पे पॉसिबल हो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स में बढ़ाऊँ अपने आंसर्स में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड किया मुझे। तो यू शुड ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस दैट यू आर कोटिंग इन योर आंसर्स। उसके अलावा यू कैन कोट फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स, चाहे वो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हो या फिर मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट आती है हमारी गवर्नमेंट की, उसको कोट करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ कोट करना जीएस 2 में। सिमिलरली जीएस 2 में एक पार्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, और उसमें यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मैप। जैसे फॉर इंस्टेंस इंडिया म्यांमार का रिलेशन आ गया, तो ड्रॉ मैप, उसमें बाउंड्री में क्या इशूज़ हैं, रेफ्यूजीज के क्या इशूज़ हैं, ड्रग्स के क्या इशूज़ हैं, यू कैन शो इन द मैप इटसेल्फ। तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है, तो IR में भी आपके पास मैप बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू GS3, अगर मैं GS3 वैल्यू एडिशन की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन इन GS3 कम्स फ्रॉम द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो डेटा हम कोट करते हैं। GS3 आपको पता है इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, साइंस टेक है, एनवायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें डेटा कोट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर क्वेश्चन में। और यू शुड बैक मोस्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ डेटा इन GS3। अब ये डेटा आता कहाँ से है? ये डेटा लाने के बहुत सोर्सेज हैं। कुछ सोर्सेज जैसे इकोनॉमिक सर्वे से आ सकता है, बजट से आ सकता है, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट से आ सकता है, न्यूज़पेपर से आ सकता है। तो कीप एन आई फॉर डेटा विच इज़ रिलेवेंट टू द सिलेबस, विच इज़ रिलेवेंट टू द मेन्स क्वेश्चन। वो डेटा को आप ध्यान में रखें, उन डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में लिखें ताकि आप ईजिली उसको लिख पाएँ मेन्स के एग्जाम में। तो डेटा इज़ वन थिंग दैट विल फेच यू मोर एंड मोर मार्क्स इन GS3। उसके बाद अगर मैं GS4 का वैल्यू एडिशन की बात करता हूँ तो GS4 में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वैल्यूएट करने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जो जिन्होंने गुड लीडरशिप शो करी है, जिन्होंने गुड वैल्यूज़ शो करी हैं अपने वर्क में, उनका एग्जाम्पल देना, पॉलिटिकल लीडर्स का एग्जाम्पल देना, स्पोर्ट्समैन का एग्जाम्पल देना, या इनफैक्ट हमारी मैथोलॉजी से कोट करना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, कुछ अच्छी वैल्यूज़ कुछ कैरेक्टर्स ने शो करी है। तो यू शुड रिचली इंक्लूड दीज एग्जाम्पल्स इन योर GS4 आंसर्स। उसके अलावा GS4 आंसर्स में यू कैन यूज़ कोट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यू नो 50-60 कोट्स जो कि आप जो डिफरेंट वैल्यूज़ को पटेन करते हैं, जैसे इंटीग्रिटी के लिए कोई एक कोट हो गया, लीडरशिप के लिए कोई कोट है, ऑनेस्टी के लिए कोई कोट है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए कोट है। तो हैव अ लिस्ट ऑफ अराउंड 50-60 कोट्स जो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकें, उससे भी आपके नंबर बढ़ने काफ़ी हाई चांसेस आते हैं। उसके अलावा GS4 में यू कैन ऑल्सो कोट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस, रिपोर्ट्स, मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट। तो GS4 में आप ये सब चीज़ें वैल्यूएट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एक एक नंबर हर एक आंसर में ज़्यादा चाहिए तो दैट विल कम फ्रॉम वैल्यू एडिशन इट्सेल्फ। और एक एक नंबर बढ़ के जब क्यूमुलेटिव होता है तो 20 नंबर बढ़ते हैं एक पेपर में, और अगर हम 7 पेपर में बोलूँ तो कहीं ना कहीं 100 से 140 नंबर बढ़ने की संभावना आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए वैल्यू एडिशन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। हर एक स्टूडेंट ये कोशिश करता है कि अपने आंसर को रिचली डेकोरेट करे वैल्यू एडिशन के साथ, डेटा के साथ, फैक्ट के साथ, डायग्राम्स के साथ। तो यू शुड ट्राई टू इनकलकेट ऑल दिस वैल्यू एडिशन इन योर एग्जाम्पल इन योर आंसर्स ताकि मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन हो सकें। उसके बाद विल टॉक अबाउट कंक्लूजन। इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन, विल मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। मुझे फील होता है कंक्लूजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर। वाई? क्योंकि जो एग्जामिनर मार्क्स दे रहा है वो आपके कंक्लूजन पढ़ के ही दे रहा है। तो पहले दो अटैम्प्ट में मैं भी ये गलती करता था कि कुछ भी रैंडम कंक्लूजन लिख के आगे बढ़ जाता था, ज़्यादा सोचता नहीं था। बट इस बार मैंने थोड़े चेंजेस लाए उसमें। और मैं क्या करता था, जनरली जब मैं कंक्लूजन पहुँचता था तो आई यूज़ टू रीड द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता था और देन आई विल फ्रेम माई कंक्लूजन, ताकि मेरा कंक्लूजन टू द पॉइंट रहे, क्वेश्चन के रेलिवेंट रहे और एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो मैंने अपना क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आई यूज़ टू राइट कंक्लूजन इन 4-5 लाइन्स, जिसमें एक दो लाइन्स में समरी होती थी और एक दो लाइन्स में फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में दिखाता था कोई भी चीज़ को लेकर।
फ्यूचरिस्ट परफेक्ट दिखाने के लिए यू कैन यूज़ जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के स्लोगन्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस जो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ दिखानी है, इंक्लूजन दिखाना है, तो सबका साथ सबका विकास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन जो आप कोट कर सकते हो. उसके अलावा यू कैन यूज़ SDGs की इस साल तक हमको पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है इंडिया में या वर्ल्ड में, इस साल तक हमें हंगर एलिमिनेट करना है, इस साल तक हमारी रिवर्स क्लीन होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. तो यूज़ SDGs, एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव दिखाता है आपके आंसर में, आपको दिखाता है कि ठीक है आप यू आर अ गुड ब्यूरोक्रेट, आप सोचते हैं फ्यूचर के बारे में भी, इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. तो ट्राई टू एंड योर आंसर इन अ फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ आप समरी लिख के छोड़ सकते हैं, बट जहाँ पॉसिबल है ट्राई टू गिव अ गुड पर्सपेक्टिव, ट्राई टू सेल यू, अपनी क्वालिटीज़ दिखाओ कि हाँ भाई मैं फ्यूचर का सोचता हूँ या सोचती हूँ और मैं ये कर सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा फेच करके ही जाएगा, क्योंकि आई गेस ओवरऑल आपको स्कोर को बूस्ट करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो ये बेसिक मुझे लगता है पार्ट्स होते हैं आंसर राइटिंग के. सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की. तो आई डिड अ स्लीपी क्लासेस यूट्यूब मैराथन, आई वुड बिंज स्लीपी क्लासेस डे एंड नाइट. स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं. मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे पढ़ी हुई है, बहुत ही हेल्पफुल है. मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी. Now we'll talk about practicing answer writing. Answer writing practice करना बहुत ज़्यादा important है. वो बोलते हैं कि Rome was not built in a day. Answer writing भी एक दिन में possible नहीं है. It's a slow and gradual process. धीरे धीरे ही आप increase करते हैं. तो मैं ये बोलूँगा कि जब आपका 3 से 4 महीने आपके studies में हो जाएं, आप एक basic चीज़ आप understand कर लें कि हाँ भाई exam में ये आता है, ये syllabus है, ये पढ़ चुका हूँ मैं, ये पढ़ चुकी हूँ, उसके बाद then try to start writing answer. अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं मार्केट से, उसके आंसर लिखना चालू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई आप मेंटोर, आपका जो कोई मेंटोर है उसको आंसर लिख के भेज सकते हैं, उससे चेक करा के आप इम्प्रूव कर सकते हैं. और तीसरा एक तरीका होता है, जैसे आपने टॉपर्स की आंसर कॉपी ली, जो उन्होंने आंसर लिखा है आपने वही आंसर लिखा और फिर दोनों आंसर को मैच किया और देखा कि कितना ज़्यादा अंतर पड़ रहा है आपका इस आंसर और इस आंसर में. तो जब आप देखेंगे कि हाँ भाई इस इन क्वेश्चन में इतना डिफरेंस है, तो यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप. ये चीज़ें हैं. और आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि रोल ऑफ मेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि यू नो कई बार हमको अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखती है और जो कि दूसरे को जो एक्सपीरियंस है उसको दिखती है. तो लकीली इस बार 2 साल से आई नॉट हैव बहुत सारे मेंटर्स, बट लकीली इस बार मैं सचिन जैन सर हैं जो इंश्योर IAS वाले हैं, तो मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली इस बार अपने आंसर को सुधार करने में. तो मेंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जैसे मैं क्या गलतियाँ करता था, कैसे अपने आंसर को छोटे फॉर्म में लिख सकूँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी. मैप्स फ्लो चार्ट्स को कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ मैं अपने आंसर्स में, वो मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे. किस टॉपर कॉपी को रिकमेंड देखना चाहिए कि आपके आंसर इंप्रूव हो सकें, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटर का रोल. और जैसे कुछ मेंटर्स ऐसे होते हैं जैसे जो खुद या तो क्रैक कर चुके हों UPSC, या फिर जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हों एटलीस्ट. तो ऐसे मेंटर्स ढूंढिए जो एग्ज़ाम खुद क्रैक कर चुके हैं या फिर जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया रहता है कि चीज़ों के बारे में. तो आई वुड थैंक सचिन जैन सर एंड टीम ऑफ इंश्योर IAS फॉर हेल्पिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी, स्पेशली मेन्स आंसर राइटिंग की. और आई थिंक मुझे यही कहना था इस वीडियो में कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वैल्यू एडिशन कैसे हो सकते हैं और कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है मैंने अपनी सारी बात कही दी है और यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा आंसर राइटिंग की. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा आपका मार्क्स में आंसर राइटिंग. और कहीं ना कहीं अगर 1750 में यू आर एबल टू स्कोर 800 अबव नंबर इन मेंस, तो ये तो शॉर्ट शॉर्ट है कि आपका नाम लिस्ट में होगा और आपने बहुत प्रैक्टिस करी है एंड यू रीच 820-830, देन हाईली प्रोबेबल यू विल गेट IAS एज अ सर्विस. इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, उसको चेक कराइए मेंटर्स से, खुद को इम्प्रूव करिए एंड आई होप यू ऑल गेट थ्रू वन डे. थैंक यू सो मच.